ओके तो भाई मतलब आज के मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं सेथ रॉलिंस ने शील्ड के जैसा अपना एंट्रेंस किया है। और अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ा बात है। आई थिंक यहाँ पर शील्ड को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं या फिर रोमन रेंस को यहाँ पर पोक करना चाहते हैं। वैसे सेथ रॉलिंस का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला मनी द बैंक के अंदर, ये भी आज के शो के ऊपर रिवील हो चुका है। तो आइए हम जानते सारा कुछ आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे पहले हमारे चैनल पर अपडेट देखने को मिलता है। तो आज का मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस करते हुए देखते हैं, और वही वो आइकोनिक यहाँ पर शील्ड का अपना एंट्रेंस करते हैं। पर मे बी सेथ रॉलिंस रोमन इसको पोक कर रहे हैं या फिर शील्ड को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, भाई ये तो मुझे नहीं पता सीरियसली। पर हाँ, इनका इंटरेस्ट बहुत कमाल का था, मेरे ख्याल से ट्रिब्यूट ही शील्ड को दे रहे हैं। वैसे जैसे ही रिंग के अंदर आते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ बोलते हैं, भाई पूरा ऑडियंस यहाँ पर पागल हो जाता है लिटरली। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, सेथ रॉलिंस अभी करंट में एक हील कैरेक्टर, उसके बावजूद भी यहाँ पर ऑडियंस चीयर कर रहा है। जिस तरह का चैंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस अंडरटेकर के लिए लगाते हैं, यू डिजर्व इट, यही सेम यहाँ पर सेथ रॉलिंस के साथ लगा। आफ्टर उसके बाद हमारे सेथ रॉलिंस का बहुत कमाल का प्रोमो स्टार्ट होता है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं, मैंने जो कहा था मैंने वो कर दिया, अब मेरा आगे का काम है, हर एक मंडे नाइट रॉ ऊपर मुझे चैंपियंस बेल्ट डिफेंड करना, मुझे मंडे नाइट रॉ ऊपर एक वॉरियर जैसा लड़ना, मैं हर एक पेपर व्यू के अंदर अपना चैंपियंस बेल्ट डिफेंड करने वाला। तो चलो सामने निकल कर आओ, मेरा नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला, कौन मुझे नेक्स्ट चैलेंज करना चाहता है। और देन उसके बाद थीम सॉन्ग यहां पर प्ले होता है एजे स्टाइल का। भाई मैं तो सोचा 2 मिनट के लिए भाई क्या यहां पर ब्रांड स्प्लिट डब्ल्यूडब्ल्यू वाले करेंगे। मतलब ब्रांड स्प्लिट के बाद ट्रिपल एच खुद इस बात को बताए थे कि अब सीरियस होने वाला, ब्रांड स्प्लिट मंडे नाइट रॉ के रेसलर स्मैकडाउन के ऊपर नहीं जाने वाला, स्मैकडाउन के रेसलर मंडे नाइट रॉ के ऊपर नहीं आने वाला। यहां पर एजे स्टाइल आकर बोलते हैं, इस बात को फीचर करते हैं, बोलते हैं एजे स्टाइल की भाई देख मैं तो नहीं आने वाला था यहाँ क्योंकि ब्रांड स्प्लिट, पर क्या करूं मैं खुद को यहाँ पर रोक नहीं पाया, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पर बधाई देने आया। पर उसके बाद भी हमें इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ट्रैश टॉक देखने को मिलता है। मेरे माइंड में एक टाइम पर आया था कि शायद यहाँ पर मनी इन द बैंक के अंदर इन दोनों का फिर से मैच हो सकता है, पर भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अपना फ्रेंडशिप ऑफर कर देते हैं सेथ रॉलिंस, उसके बाद यहाँ पर हैंडशेक हो जाता है दोनों के बीच। अब देर मुझे लगता है अब कौन चैलेंज करने वाला, पर भाई ऑलरेडी मुझे पता था एक्चुअली इनको कौन चैलेंज करने वाला। इनफैक्ट मैं आज शाम को अपने चैनल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी लेते आऊंगा मनी इन द बैंक के अंदर कौन सा रेसलर का मैच किसके साथ होने वाला। तो नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें जजमेंट डे देखने को मिलता है, जो कि इंटरप्ट करते हैं सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल को। ये चारों यहाँ पर रिंग के अंदर जाते हैं और सेथ रॉलिंस एजे स्टाइल का पूरा घेराव कर देते हैं रिंग के अंदर ही। देन उसके बाद जजमेंट डे के सारे मेंबर यहाँ पर अपना तारीफ करना शुरू कर देते हैं, बताते हैं ये मेरा शो है मंडे नाइट रॉ। साथ ही साथ वो इस बात को भी मेंशन करते हैं कि रोमन रेंस ने नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर सैमी जेन और केविन ओवंस को नहीं हराया, पर मैंने हराया था मंडे नाइट रॉ को। आपने देखा ही होगा पिछले मंडे नाइट रॉ को पर इंपीरियम की मदद से यहाँ पर हरा दिए थे जजमेंट डे के मेंबर। नेक्स्ट इसके बाद ये तीनों अपने में डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैं भी चैलेंज कर सकता हूँ। डेमन प्रिस्ट बोलते हैं मैं भी चैलेंज कर सकता हूँ, फिन बैलर बोलते हैं मैं भी चैलेंज कर सकता हूँ, तभी यहाँ पर रिया रिप्ली बोलते हैं मेरा डॉम भी चैलेंज कर सकता है सेथ रॉलिंस। और भाई लिटरली जैसे डॉम का नाम आया सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल हंसे, भाई 100% वो रियल हंसी था भाई लिटरली। मतलब डॉम को इतना करंट टाइम में हेट मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, मतलब नेक्स्ट लेवल का है यार। मैं सही बता रहा हूँ, करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा अगर डोमिनिक मिस्टोरो को हाथ में एक मनी इन द बैंक दे। वैसे डोमिनिक मिस्टोरो का यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा मजाक उड़ जाता है, उसके बाद ऑडियंस की तरफ से भी बहुत ज्यादा बू देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर रिया रिप्ली जो होती है एजे स्टाइल के फेस टू फेस खड़ा हो जाती है, पर उसके बाद सेथ रॉलिंस एक ऑफर देती है। ऑफर ये होता है आज शो के मेन इवेंट के अंदर, मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस एजे स्टाइल जजमेंट डे के साथ टैग टीम मैच के अंदर कंप्लीट करेंगे। और वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ मनी इन द बैंक के अंदर सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमन प्रिस्ट का आपको मैच देखने को मिलने वाला है, या फिर आपको सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर का भी मैच देखने को मिल सकता है। एक्जेक्टली यही दोनों फेस करने वाले सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक के अंदर। वैसे आज के शो के ऊपर बहुत कमाल का एक मैच होने वाला, तो भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आज शाम को प्रेडिक्शन वीडियो भी आ जाने वाला मनी इन द बैंक वाला, तो भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है।